तो मैं अभी आप लोगों के साथ नीट 2021 के काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा अपडेट देंगे। तो कुछ स्टेट हैं जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, जबकि 1.5 से 2 महीने से ऊपर होने वाले हैं। आपका नीट एग्ज़ाम हुआ, इतना डिले हुआ कि मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि कहाँ एडमिशन ले, कहीं कि यदि कोई बच्चा कहीं और एडमिशन लेना चाहता है तो उसके बाकी जगह के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और यहाँ तक अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं कह सकता कि नीट का आपका कब आएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इस डेट पे आ सकता है, इस डेट पे आ सकता है। आज भी जैसा आप देख पा रहे होंगे कि चिकित्सा परामर्श समिति जो MCC है, MCC में UG मेडिकल काउंसलिंग यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो UG मेडिकल काउंसलिंग में आप ये देखिए यदि हम बात करें, जैसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ओपन हुआ है, यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो आप देखिए ये इधर पे ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी अवेलेबल सून, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी अवेलेबल सून, मतलब आज 22 नवंबर है, फिर भी अभी तक काउंसलिंग का, ऑल इंडिया काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है। जो स्टेट लेवल में काउंसलिंग हो रही है, बच्चे 85% सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो 15% सीट उनकी छूटेगी, जहाँ से उनको ऑल इंडिया लेवल के कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, एम्स, BHU, MU, उन वो कॉलेज उनके छूट जाएंगे, तो बच्चे भी बहुत ध्यान से काउंसलिंग करवाएँ। और जैसे ही आपको काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और बहुत डिटेल से जुड़ेंगे, ठीक है बच्चा। और इसी तरह के न्यू अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और हाँ, स्पेशली जो कटाप की बात है, कटाप के लिए हम एक नया वीडियो आप लोगों के साथ लाइव सेशन जुड़ेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।